हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एडल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस पर हम देखने वाले हैं कि एप्स के लिए प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास ऐप में प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज इंक्लूड नहीं है तो आपका ऐप रिजेक्ट हो सकता है या फिर सस्पेंड भी हो सकता है। इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज के वीडियो हम देखते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर में आना होगा। मैं आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिससे आप एक वेबसाइट पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपको लिंक दिखाई दे रही है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर डायरेक्ट रीलोड हो जाओगे। तो ये वेबसाइट में आप एक तो प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन बहुत आप क्या कर सकते हो, तो अपने ऐप के लिए पेज जनरेट कर सकते हो। तो आपको इस वेबसाइट पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो इन्फॉर्मेशन आपके प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन में इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है आपका ऐप का नेम। आपको अपने ऐप का नेम लिखना है। जैसे कि मैंने अभी अभी एक ऐप क्रिएट की है वेट लॉस के ऊपर, तो मैं अपने ऐप का नेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो वेट लॉस मैंने अपने ऐप का नेम यहाँ फिलअप कर दिया। अभी आप पूछ रहे हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एक तो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। मैंने अभी अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर दी है। इस पर्सनैलिटी आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन को आप स्किप कर सकते हो। अभी यहाँ पूछ रहा है ऐप टाइप, आपका कौन सा ऐप है, जैसे कि फ्री है, पेड है, ओपन सोर्स है, प्रीमियम है, जो भी आपका ऐप में से जो भी आपको ऐप टाइप सिलेक्ट करना आप कर सकते हो। मेरा जो वेट लॉस ऐप है ये फ्री है इसलिए मैं अभी फ्री पे क्लिक कर देता हूँ। एंड मोबाइल ओएस में आपको क्या करना है, जो भी आपका ऐप किस प्लेटफॉर्म पे रन होता है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड, आईओएस, के आईओएस या बोथ, दोनों पे भी इस पे होता है। तो मेरा तो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए इसलिए मैं एंड्रॉयड पर अभी क्लिक कर देता हूँ। पॉलिसी इफेक्टिव डेट मतलब इसकी वैलिडिटी, जो भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज होगा उसकी वैलिडिटी कब तक होगी। मैं 2030 तक इसकी वैलिडिटी रख देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ एंड 2030 पे यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ, सॉरी 2030 पे, एंड कोई भी डेट सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। मैंने अभी पॉलिसी इफेक्टिव डेट सिलेक्ट कर दी है। अभी क्या पूछ रहा है यहाँ, ओनर टाइप कि जो भी आपके ऐप है वो इंडिविजुअल है या फिर कंपनी के लिए। मेरे तो खुद के लिए, खुद ने क्रिएट की हुई ऐप है इसलिए मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ। एंड डेवलपर नेम पूछ रहा है, अपना नाम यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। मैं अपना यहाँ नाम फिलअप करता हूँ, रोहित घाटे। मैंने अपना यहाँ अपना नाम फिलअप कर दिया। यहाँ पे जो भी मैंने इंफॉर्मेशन पूछ रहे थे यहाँ पे सब फिलअप कर दिया। अभी क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी पूछ रहा है इंक्लूड लिंक्स टू द थर्ड पार्टी सर्विस। जो भी आपके ऐप में जो भी थर्ड पार्टी सर्विस इंक्लूड होगी आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपके ऐप में ऐड हो गए तो आप एडमॉप पे अभी क्लिक कर सकते हो। आपका ऐप फायरबेस से कनेक्ट हो तो फायरबेस से कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टी सर्विस दिए, आप इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे ऐप में एडमॉप है, फायरबेस से कनेक्ट है एंड कहा गया वन सिग्नल, ये भी मेरे इसमें ऐप में इंक्लूड है। जो जो आपके ऐप में इंक्लूड होगा इसको आप डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। अभी क्या हो चुका है, अभी हमारे दोनों भी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन पेज जनरेट हो चुके हैं। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी। बट हमें जब ऐप में पेस्ट करना होता है तो वो URL पेस्ट करना होता है, हम इसको डायरेक्ट टेक्स्ट पेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता नहीं कि ब्लॉगर ब्लॉग की आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी उसकी भी वीडियो की लिंक दे दूंगा जिससे आप देख सकते हो कि ब्लॉगर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट करने के लिए ब्लॉगर बहुत ही जरूरी रहेगा URL जनरेट करने के लिए। तो मैं सबसे पहले ब्लॉग में चला जाता हूँ अपने, तो यहाँ blogger.com में चला जाता हूँ मैं एंड अपनी आईडी लॉगिन कर देता हूँ। जो भी जीमेल आईडी मेरी थी डिफॉल्ट उससे मैंने लॉगिन कर दिया। तो आप देख सकते हो मेरा ब्लॉगर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी मैं उसी प्राइवेसी पॉलिसी में चला जाता हूँ एंड पूरे प्राइवेसी पॉलिसी को मैं कॉपी कर देता हूँ।
और ध्यान में रखना है आपको @gmail.com ही तक आपको सिलेक्ट करना है। अभी मैं Ctrl+C से इसको कॉपी कर देता हूँ एंड अपने ब्लॉगर में जाके आपको यहाँ जो न्यू पोस्ट दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ आपका टाइटल पूछ रहा है, तो टाइटल में आपको जो ऐप का नाम है सबसे पहले ये लिखना है, वेट लॉस, और कौन सा पेज है ये, प्राइवेसी पॉलिसी है, वेट लॉस प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी लिख देता हूँ, ठीक है मैं। एंड जो आपका ये टेक्स्ट था इसको मैंने पूरा कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड अभी क्या करता हूँ मैं, हमारा पूरा काम हो चुका है ओके, अभी मैं डायरेक्ट पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पूछ रहा है पब्लिक पोस्ट क्या हमें कन्फर्म करना है, यस हमें कन्फर्म करना है। हमारे यहाँ देख सकते हो वेट लॉस प्राइवेसी पॉलिसी पेज हमारा क्या हो चुका है, तो पोस्ट हो चुका है। अभी सिमिलरली हमें क्या करना होगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ नीचे तक, सॉरी दो मिनट, टर्म्स एंड कंडीशन इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ एंड @gmail.com तक इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से। एंड अगेन मैं अपने ब्लॉगर पे चला जाता हूँ, अगेन सिमिलर स्टेप करना है, न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, न्यू पोस्ट में क्लिक करके आपको वही सिमिलर टाइटल का ऑप्शन आएगा। सॉरी अभी मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। टाइटल में आपको क्या लिखना है, सिमिलर बिल्कुल वेट लॉस, और कौन सा पेज है, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडी, ठीक है टर्म्स एंड, दो मिनट सॉरी। और यहाँ पे क्या लिखना आपको, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है पेज। और जो भी आपका यहाँ से जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था अगेन इसको हम यहाँ क्या कर देते, पेस्ट कर देते, और हमारा काम हो चुका है। अभी क्या करेंगे हम, सिमिलर स्टेप पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड अगेन इसको हम करेंगे कन्फर्म, तो हमारी पोस्ट पब्लिक हो रही है, सॉरी पब्लिश हो रही है। तो आप देख सकते हो हमारे दोनों भी जो हमने अभी अभी दो पोस्ट क्रिएट किए थे वो अभी पब्लिश हो चुके हैं, जैसे वेट लॉस प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसको मैं हम अभी व्यू में क्लिक कर देता हूँ, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू है। जैसे हम प्राइवेसी अभी देख सकते हो हमने व्यू पे जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो हमारा ये पेज ओपन हो चुका है, हमारी एक देख सकते हो क्लियरली हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज थी वो क्लियर अभी हमें जनरेट होके मिल चुकी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जो भी हमारे कोई URL मिल चुका है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एंड कोई भी नोटपैड में ओपन करके प्राइवेसी पॉलिसी एक टाइटल देके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड सिमिलर इस टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी आपको करना होगा, मैं ब्लॉगर में जाके ये जो आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई दे रहा यहाँ व्यू में जाके सिमिलर बिल्कुल वेट लॉस टर्म्स एंड कंडीशन पेज ये भी जनरेट हो चुका है, तो मैं इसको अगेन इस URL को भी कॉपी कर देता हूँ एंड नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन हमारा क्लियरली कंप्लीट जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में होगा कि प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।